But ladies and gentlemen, from the right hand side, the one who in white, Bazigar! That's a knock, yeah, one ball player ko kiya down, third down! Aage bade, dual ka istemal, shut down karne ki koshish bahut acha, 10-14 ke jhatko ke saath khatam. Chalo ga destroy karne ki koshish karenge, revive this thing. Coming, you will rather go and kind of attack. You did that, you guys. Six. So hey, assalamu alaikum and welcome back to Free Gang to another video. First of all, यार sorry to say but मैंने इस मरतबा कोई vlog नहीं बनाया है. And यार चैनल पर inactive रहने की वजह ये थी कि जहाँ पर FFPL 2 का final हो रहा था वहाँ पर हमारा भी final था. जो कि आप लोगों ने देख लिया कि हमने win किया था. अब shortly तरीके से कहानी सुना देता हूँ, ज्यादा लंबी लंबी नहीं. तो 7 अक्टूबर की रात को मैं पहुंचा कराची और डायरेक्ट वहाँ से चला गया स्टूडियो. अब जो स्टूडियो वाली बात है वहाँ पे मैं क्यों गया ये मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा. वीडियो को एंड तक स्टूडियो से हम लोग गए सीधा होटल, एक दिन का आराम किया और फिर 9 अक्टूबर को हम लोग गए जहाँ पे FFPL 2 का फाइनल हो रहा था. एक दिन हमारा लग गया रिहर्सल. अब रिहर्सल का मतलब ये है कि जो आप लोग फाइनल में देख रहे थे लाइव के एक बंदे का नाम ले रहे हैं वो स्टेज पे आ रहे हैं एक जगह पे खड़ा हो, इन सबकी प्रैक्टिस हम लोग एक दिन पहले करा दी गई ताकि फिर फाइनल लाइव स्ट्रीम पे ना ज्यादा टाइम वेस्ट ना. अब असल मजा आया भाई 10 अक्टूबर को. सब्सक्राइबर्स भी आए हुए थे, बहुत पुराने पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हुई एंड सबसे बड़े और मजे वाली बात की हम लोगों ने मैच भी विन कर. अब रही बात वो स्टूडियो वाले, तो मैं आपको हवा हवाई में एक छोटा सा क्लिप दिखा देता. प्लेयर डर जाते तू है क्या चीज ब्रो, फ्री फायर मैक्स इस गेम का मैं चीफ ब्रो. अब यार मुझे पता है आप लोग हंसोगे क्योंकि ड्रेसिंग ऐसी पहनाई गई थी यार, रैप सॉन्ग जो होते हैं ना उनमें ऐसी ड्रेसिंग ही कराई जाती है. बाकी हम सब का फर्स्ट टाइम था क्योंकि लिरिक्स भी बोल रहे थे उसके साथ एक्शन भी कर रहे. पहली बात है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा या नहीं तो भाई फ्री फायर पाकिस्तान चैनल सर्च कर लेना, पे वीडियो पड़ी हुई है. अब यार वापस आते हैं शोडाउन वाले मुद्दे पर. पहली बात तो मेरे जो टीममेट्स थे उनके सबके चैनल के लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना. बहुत ओपी टीम वर्क किया था हम सब. यार सीन ऐसा था कि हम यूट्यूबर्स के बीच में क्लैश स्क्वाड की मैचेस हुए जिसके सबसे ज्यादा किल्स थे डैमेज थे उस बेस पर 8 बंदे यानी 8 यूट्यूबर सिलेक्ट और उनको डायरेक्ट भेज दिया गया कराची FFPL फाइनल का जहाँ पे हो रहा था ताकि उनका भी फाइनल वहाँ पर हो. मतलब हम लोग खुद हैरान हो चुके थे जब हमें पता चला कि हमारा फाइनल इतने ज्यादा लोगों के सामने होगा. अब फाइनल चैनल होने के बाद सब निकल गए अगले दिन अपने घरों को. मैं पहुंचा 11 अक्टूबर की रात को यानी कल रात को मैं घर पहुंचा एंड आज मैं ये वीडियो बनाऊं. यार सब्सक्राइब कर दो जो लोग पहली मरतबा देख. अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते ये वेनम वाले इवेंट पर. तो इसमें आपको डेली मिशन देखने को मिलेंगे जो कि 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं. 3 मैचेस खेलने डेली, 5 एनिमीज को किल करने और फिर लिखा हुआ है प्ले 60 मैचेस. आई थिंक ये प्ले 60 मिनट्स होना चाहिए यार, शायद कोई गलती हो गई है. एंड फिर है प्ले विद 1 फ्रेंड. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 मिशन करते हो तो आपको 4 टोकन मिलते हैं ये वेनम की जो कोपड़ी सी है. और आप अगर 4 दिन तक कंटिन्यूसली ऐसा करते जाओगे तो आपके पास हो जाएंगे 16 टोकन एंड उससे आप एक बंडल आराम से एक्सचेंज कर सकते हो. इसमें सबसे फालतू चीज है इसका मास्क. तो यार बस आज के लिए इस वीडियो का मकसद है कि आप लोगों के साथ शेयर करना अपनी खुशी को कि हम लोग वहाँ पे गए, मैच जीत कर वापस आ गए और क्या क्या सीन था, कैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे, कब वापस घर आए. एंड मुझे पता था कि काफी लोगों की माइंड में ये क्वेश्चन भी था कि हम लोग वहाँ पे गए कैसे और किस वजह के लिए गए. तो आई होप वो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो में. यार बस आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल पर नहीं हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. बाय बाय.